दोस्तों द न्यूज वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। तो देखा आपने, ओबीसी कावड़ लाए तो पुष्प वर्षा, हक मांगे तो लाठी चार्ज, यही सत्य है बीजेपी आरएसएस का। ये वीडियो है आज मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। मांग है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत किया जाए, पर बात सुनने या मिलने के बजाय सरकार की पुलिस ने दमनकारी रवैया अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करके मारपीट करी। मध्य प्रदेश पुलिस ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और उनकी टीम को गिरफ्तार किया। छूटने के बाद सुनिए उनका संदेश। छोड़ दिया गया है और मेरी टीम को भी छोड़ दिया गया, लेकिन बहुत सारे साथी अभी भी जो है वो प्रशासन ने गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन से निवेदन है कि उनको भी जल्दी छोड़ दिया जाए। हमारा आंदोलन बहुत ही मजबूत रहा, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला है। बहुत सारे ओबीसी महासभा के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और भीम आर्मी के भी मजबूत साथी थे। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन ने अन्याय किया है, लाठीचार्ज की है और हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ जो भोपाल के अंदर नहीं घुसनी थी, राजधानी में नहीं घुसनी थी, लगभग 1000 गाड़ियाँ हमारी जो है ना वो राजधानी के बाहर ही पुलिस प्रशासन ने रोक दी। चलिए कोई नहीं, हमारा आंदोलन मजबूत रहा है, तेजी से रहा है। मुझे और मेरे साथी सभी साथी को छोड़ दिया गया है। आप सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, जय संविधान। ओबीसी आरक्षण ढंग से लागू होने की लड़ाई आज देश भर में चल रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में भी ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में तो ये लड़ाई पूरे देश की है, पूरे देश के हर राज्य की है। 11,000 सीटें, 11,000 डॉक्टरों की सीटें जा चुकी है और साथ ही में ओबीसी आरक्षण। अब देखिए, MP हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 करने में मना कर दिया है, जबकि उस राज्य की जातिगत जनगणना 2011 की जातिगत जनगणना भी कोर्ट के सामने आ चुकी है, जिसमें साफ हो चुका है कि MP में ओबीसी की आबादी 50% है, फिर भी कोर्ट नहीं कर रही। और सरकार का भी यही रवैया है, जब चारों ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की भी ओबीसी आरक्षण पर दोहरा नीति के चलते उनकी जमकर आलोचना भर्त्सना हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिए उनके आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार में इच्छा शक्ति के अभाव, कमजोर पैरवी व ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखने के कारण ये आज तक लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने आरएसएस की ओबीसी समुदाय के खिलाफ पोल खोल करी। ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग करने वालों पर शिवराज चौहान की पुलिस ने आज लाठियां तोड़ दी। आरएसएस के गुलाम से यही उम्मीद है, लेकिन अब ओबीसी को उसका हक तो देना पड़ेगा शिवराज जी, कोई और उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश के ओबीसी वालों, बीजेपी सरकार में पिटकर कैसा फील हो रहा है? आप क्या सोच रहे थे कि ओबीसी का मुख्यमंत्री है तो ओबीसी को 27% आरक्षण दे देगा? कम से कम बैठकर बात तो सुनेगा, अब तो पता चल गया होगा ये आरएसएस वाले हैं। वही आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी, उनकी सरकार को चेतावनी दी कि MP में ओबीसी की आरक्षण एवं नीट में ओबीसी आरक्षण बहाल किए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल ही शर्मनाक है, उन्हें तत्काल रिहा करें वरना आंदोलन के लिए तैयार रहें। तो हमारी मांग है कि आंदोलन और बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ समय से नीट में तो ओबीसी आरक्षण के पर आंदोलन हो रहा है, भीम आर्मी ने किया है, मंडल आर्मी ने किया है,
पर जातिगत जनगणना को लेकर भी और हर राज्य में आबादी के अनुपात आरक्षण होने का भी आंदोलन जोर से होना चाहिए। तो आप इस आंदोलन की आवाज़ को सब तक ज़रूर लेके जाइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी @thenewsbeak से ज़रूर फॉलो करें, वहाँ भी हम काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।